सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम साफियर फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ सही रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। वैसे तो आप सभी इस कंपनी के बारे में पहले से ही भलीभांति जानते होंगे, क्योंकि काफी फेमस कंपनी है और इसके पिज्जा हट के नाम से इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर कई जगह फ्रेंचाइजीज हैं, और आपने इसकी फ्रेंचाइजी पर जाकर कभी ना कभी पिज्जा का आनंद जरूर लिया होगा। थोड़े से इंफॉर्मेशन की बात करें तो साफियर फूड्स इंडिया इज यम ब्रांड्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज ऑफ FY20, यानी कि 2020 की अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये इंडियन उपमहाद्वीप की ये बात कर रहे हैं, इंडियन उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर ये कंपनी थी। तो ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है एसेट वैल्यू। तो एसेट वैल्यू 2019 की अगर बात करें तो 15674 मिलियन के आसपास रहा था, 2020 की अगर बात करें तो 13806 मिलियन के आसपास ये होता हुआ नजर आया, यानी कि काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं 2021 की बात करें तो 13489 मिलियन के आसपास ये हो गया, यानी कि यहां पर भी गिरावट हुई लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात करें यहां पर रेवेन्यू की तो 2019 में अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 12062 मिलियन के आसपास रहा था, वहीं 2020 में 13517 मिलियन के आसपास रहा, 2021 में बात करें तो 10812 मिलियन के आसपास रहा, यानी कि यहां पर थोड़ा सा ग्रोथ जरूर हुई थी लेकिन इसके बाद अगर करंट ईयर में देखा जाए तो गिरावट देखने को मिली है। तो ये रेवेन्यू भी कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, देखिए प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इसका ग्राफ देखें आप तो आपको लगेगा कि भाई ये ग्राफ मैंने उल्टा लगा दिया है, लेकिन ये उल्टा नहीं है, एकदम सीधा है। कंपनी प्रॉफिट की जगह लॉस करती हुई नजर आ रही है। अगर 2019 में बात करें तो कंपनी ने 694 मिलियन का लॉस किया था, 2020 की बात करें तो 1592 मिलियन का कंपनी ने लॉस किया था, वहीं 2021 की बात करें तो 998 मिलियन कंपनी लॉस में चल रही है, यानी कि यहाँ देखें तो लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और जो जो लॉस है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अगर 2021 में बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ा सा गिरावट आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी अभी भी करीब 1000 मिलियन के आसपास लॉस में चलती हुई नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है, जिस तरीके के पहले कुछ स्टार्टअप जैसे कार ट्रेड वगैरह के आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनमें भी जो फाइनेंशियल थे वो बहुत ही ख़राब थे। जोमेटो का आपने आईपीओ देखा होगा, वो भी एक स्टार्टअप है और उसमें भी जो फाइनेंशियल थे वो भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहे थे, वैसे ही जो फाइनेंशियल हैं कुछ इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं आईपीओ डिटेल की, तो ये आईपीओ 9 से 11 नवंबर के बीच ओपन होने जा रहा है। बुक बिल्ड इशू है, ₹10 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है, 1120 से ₹1180 के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी ₹1180 में आपको एक शेयर अलॉट होगा, 12 शेयर एक लॉट में रहेंगे और मिनिमम आप 12 शेयर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी एनएससी दोनों में ही आईपीओ लिस्ट होगा, और इशू साइज की बात करें तो करीब 2073 करोड़ का इशू है, और पूरा का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए ही लाया जा रहा है। तो देखिए यहां पर अगर रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 10% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, तो ठीक है 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है और काफी बड़ा इशू है, तो निश्चित रूप से यहां पर ठीक ठाक शेयर्स रिटेल कैटेगरी के झोली में आएंगे। अब देखिए बात करें यहां पर टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ 9 से 11 नवंबर के बीच जैसे कि मैंने बताया ओपन हो रहा है। वहीं
अलॉटमेंट की बात करें तो 16 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, और वहीं अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिला है तो आपके पैसे 17 नवंबर को वापस आ जाएंगे। वहीं अगर आपको शेयर्स अलॉट हो चुके हैं तो 18 नवंबर के दिन आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो 22 नवंबर को ये IPO मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कितनी कमाई हुई है। अगर हम बात करें लॉट साइज की, तो देखिए मिनिमम रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट अप्लाई किया जा सकता है जिसमें 12 शेयर्स रहेंगे और 14,160 रुपये आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहीं 168 शेयर्स आपको मिलेंगे और 1,98,240 रुपये आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए ये IPO की पूरी डिटेल्स हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके प्रीमियम की, तो आज के दिन प्रीमियम यहाँ पर करीब 120 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1,180 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 120 रुपये के प्रीमियम के साथ ये IPO करीब 1,300 रुपये पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर आप इशू प्राइस के मुकाबले आप देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ही ज्यादा कम है, करीब 10% के आसपास ही यहां पर प्रीमियम चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो मार्केट में 1,200 रुपये के आसपास के जो शेयर्स हैं वो 10% का मूवमेंट आपको दे देते हैं, कभी कभी 20% भी बढ़ जाते हैं, तो भाई शेयर के मूवमेंट से भी कम यहां पर प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ये IPO जो है ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। IPO के ओपन होने में काफी समय है, तो वेट करेंगे, देखेंगे कि उस समय तक क्या प्रीमियम चलता है। और अभी के हिसाब से देखें तो मैं यही बोलूंगा कि जो रिस्की निवेशक हैं वही इस IPO में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की निवेशक ही करें। आगे जो प्रीमियम आएगा, आगे जो चीज़ें सामने आएंगी जब ये IPO ओपन होगा, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन सामने आएगा, उसके बाद मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर पल पल की अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ और उस समय मैं आपको कन्फर्म करूँगा कि भाई आपको इस IPO में शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इस IPO को इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर यही अपडेट है आपके लिए और ये पूरा एनालिसिस हमने किया है। अगर कोई क्वायरी आपकी गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें, हम वहां पर क्वायरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, उनको फायदा भी होता है, लेकिन यहां पर चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट काफी कम है। तो आप वहां पर जाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वेल आइकन को जरूर दबा लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो ज्यादा बड़ी भी होती जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें जिससे इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।